नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़, जहां एक तरफ आज अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनावी हुंकार फूंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा दिखाया गया है। उनकी भगवान श्री कृष्ण के अवतार वाली होर्डिंग्स रायबरेली की सड़कें पर देखने को मिली, वो भी तब जब स्वयं अखिलेश विजय रथ यात्रा लेकर यहाँ पहुँचे और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। बता दें कि आज अखिलेश यादव सोनिया के गढ़ में दूसरे दिन हुंकार भर रहे हैं। वो यहाँ रायबरेली की सदर उंचाहर और सलोन विधानसभा में जनसभा करेंगे। रथ यात्रा को लेकर निकलने से पहले अखिलेश PWD गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके स्वागत में महिलाएँ फूल मालाएँ लेकर पहुँची थी। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करके जब वो PWD गेस्ट हाउस पहुंचे तो गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं का जूम उमड़ पड़ा था। अखिलेश ने यहां पार्टी के पदाधिकारियों और टिकटधारियों से मुलाकात की थी। गौरतलब हो कि कल रायबरेली में अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा था कि कांग्रेस और सपा सम्मान और शिष्टाचार के नाते एक दूसरे के लिए लोकसभा सीटें छोड़ते आए हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है जिसे सपा हमेशा से पूरी ताकत से लड़ती चली आई है और यहाँ सपा को बड़ी जीत मिली है। उधर जब अखिलेश यादव सोनिया के गढ़ में जनसभा कर रहे जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ रहा, ठीक उसी समय आज स्मृति ईरानी के गढ़ अमेठी में राहुल प्रियंका एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि अखिलेश अमेठी लोकसभा की सलोन विधानसभा सीट पर विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे तो कुछ किलोमीटर दूर पर राहुल प्रियंका भाजपा हटाओ को लेकर पद यात्रा निकालेंगे। देर शाम जब अखिलेश रायबरेली से वापस होंगे तब प्रियंका रायबरेली पहुंचेंगी। वो रविवार को यहां रिफॉर्म क्लब के मैदान में शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब देखना ये होगा कि रायबरेली में दोनों लोग होने के उससे जनता पर क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्या कांग्रेस का ज़्यादा फर्क पड़ता है या फिर समाजवादीवाद का ज़्यादा फर्क पड़ता है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।